अक्सर औकात ये सवाल पूछा जाता है कि रैट रेस क्या है। रैट रेस आपका सुबह 9 बजे उठना, ऑफिस जाना, पैसा कमाना, बिल पे करना, खाली पर्स को देखना और फिर दोबारा ऑफिस जाना, पैसे कमाना, बिल पे करना और फिर खाली पर्स को देखना। इस सिलसिले को 10 साल 20 साल 15 साल गुजारना, इसे कहते हैं रैट रेस। और ये वो रैट रेस है जो अक्सर औकात बहुत टैलेंटेड लोगों को खा जाती है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फियर होता है, अगर इसको छोड़ने की हम कोशिश करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, जितना पैसा अभी कमा रहे हैं उससे भी कम चले जाएंगे और बिजनेस के नुकसान को फेस करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, क्या इससे निकलना चाहिए और इससे निकलने का कोई फायदा होगा। दूसरा ये, अगर हम निकले तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, इससे निकलना चाहिए या नहीं, मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं जितने लोगों के साथ भी मिला हूँ तो किसी न किसी तरह से रैट रेस से निकले हैं। उनमें से ज़्यादातर 60-70% लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया और शुरू के 2-3 साल उनकी ज़िंदगी के बहुत खतरनाक हुए। उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनसे कहा कि तुमने क्यों जॉब छोड़ी, तुमने क्यों अपना काम छोड़ा, और उन्हें तरह तरह की बातों का, तानों का सामना करना पड़ा और उन्होंने लॉसेस भी उठाए। अगर तो वो डगमगा जाएंगे, कभी भी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे और हमेशा इसी फैसले को कोसते रहेंगे क्यों हमने इस रैट रेस को छोड़ने की कोशिश की। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस रैट रेस को ना सिर्फ छोड़ा बल्कि बेतहाशा कामयाबी के साथ बिजनेस की। यहाँ पर बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कामयाबी के साथ बिजनेस कैसे कर सकते। अगर आप रैट रेस छोड़ना चाहते हैं, अगर आप इस चीज में से निकलना चाहते हैं, उस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो याद रखें आप इस रेस में रहते हुए पैरेलल आईटी की मदद से या इन्वेस्टमेंट की मदद से अपनी इतनी इनकम जनरेट कर लें जो इस वक्त आप आ रहे हैं उसका दुगना हो। जो भी इस वक्त आपकी सैलरी है उसकी दुगनी अमाउंट या तो आप आईटी की मदद से किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आप वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। अगर आप वो पैसा कमाना शुरू कर दें तब आप फैसला लें कि मुझे इस रैट रेस को छोड़ना है, इस रैट रेस को छोड़ूंगा तो पैसा कमाऊंगा। इस चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारा नुकसान उठा लेते हैं। फर्दर मोर, इस रैट रेस को कैसे छोड़ा जा सकता है और इसमें से कैसे निकला जा सकता है, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ उनके एक्सपीरियंस से क्या सीखा और उसको एक अच्छे तरीके से आप लोगों से कैसे शेयर किया जा सकता है जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में ये फैसला लें, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके मामलात आसान होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।